सब्सक्राइब करें नेल्लोर न्यूज़ को और इस बेल आइकन को दबाएं देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए। सद्गुरु हमें धर्म पर विश्वास कर लेने और इसे एक विज्ञान की तरह समझकर इसकी खोज करने के अंतर के बारे में बता रहे हैं। जानते हैं कि कैसे योग विज्ञान भी इसी बारे में है। जैसे ही मनुष्य धार्मिक बनता है, उसके सारे झगड़ों का अंत हो जाना चाहिए था, पर दुर्भाग्य से संसार में हर जगह धर्म ही झगड़ों का मुख्य स्रोत बन गया है। इसने अधिकतम जाने ली है और इस ग्रह पर हजारों वर्षों से यह अधिकतम पीड़ा का कारण बना है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं जो उनके अनुभव में नहीं है। कोई किसी चीज में विश्वास करता है, कोई दूसरा किसी अन्य चीज में विश्वास करता है, तब स्वाभाविक है कि झगड़े को टाला नहीं जा सकता। आज या कल वे झगड़ने वाले हैं। वे झगड़े को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, पर किसी दिन वे झगड़ेंगे। जब तक आप मानते हैं कि सिर्फ आपका रास्ता सही है और कोई अन्य मानता है कि उसका रास्ता सही है, आप लड़ने को बाध्य है। हालांकि सभी धर्म एक आंतरिक मार्ग के रूप में शुरू हुए, समय के साथ वे विकृत होते गए और कोरी मान्यताओं का एक बंडल बन गए। यद्यपि सभी धर्मों ने मानव जीवन की महत्ता को बताया है, उसी धर्म का वास्ता देकर आज आप एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। दुर्भाग्य से इसी कारण इस ग्रह पर ज्यादा पीड़ा और संघर्ष का उदय हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी मूल समस्या को सही तरीके से नहीं सुलझाया गया है। लोग हमेशा एक समूह और दूसरे समूह के बीच अस्थाई समाधान निकालते रहते हैं, लेकिन ये अस्थाई समाधान ज्यादा दिन टिक नहीं सकते और फिर संघर्ष उभर आता है। इस लड़ाई का कारण सिर्फ इतना है कि लोग किसी खास मान्यता पर विश्वास करते हैं, किसी ऐसी मान्यता पर जो उनके लिए वास्तविकता नहीं है, फिर भी वे उसमें विश्वास करते हैं। अगर आप वास्तविकता को देखें तो यह हर किसी के लिए एक समान है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सबके लिए। और जब आप धर्म को देखते हैं तो हर धर्म की अपनी मान्यता है कि क्या सही है और क्या गलत। आपने जो बात देखी नहीं, महसूस नहीं की, आप उसे मान लेते हैं। कई महीनों में यही सारे झगड़ों की जड़ बन गया है। योग का मूल प्रयोजन हमेशा से धर्म को एक अनुभव के रूप में, एक आंतरिक अनुभव के रूप में खोजने का रहा है, न कि विश्वास के रूप में। किसी विश्वास से शुरू मत कीजिए, भीतर देखना शुरू कीजिए। जो कुछ भी सच है उसका अनुभव करिए और आगे बढ़िए। एक विज्ञान की तरह उस तक पहुंचिए, एक विश्वास की तरह नहीं। योग में हम सिर्फ ये देखते हैं कि मूल रूप से एक मनुष्य अपने उच्चतम स्वरूप, ईश्वर या चैतन्य या जो भी आप उसे कहना चाहे, तक पहुंच सकता है या विकास कर सकता है। ऐसा वह अपने शरीर, मन, भावनाओं के माध्यम से या आंतरिक ऊर्जाओं के माध्यम से कर सकता है। केवल यही चार वास्तविकताएं हैं जो आप जानते हैं। दूसरी हर चीज की कल्पना की गई है, दूसरी हर चीज आपको सिखाई गई है। योग में यही चार मूल मार्ग है। यदि अपने विकास के लिए शरीर का उपयोग करें तो वह कर्म योग है। यदि मन या विवेक का उपयोग करें तो वह ज्ञान योग है। यदि भावनाओं का, प्रेम और समर्पण का उपयोग करें तो वह भक्ति योग है।
यदि आप अपने ऊर्जाओं को रूपांतरित करें तो वह क्रिया योग है। ये वैसा ही है जैसे कि अपने दिमाग, दिल, हाथ या ऊर्जा से जुड़ना। आप यही सब है, बाकी सारे मनुष्य भी यही है। कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ दिमाग है या सिर्फ दिल है या सिर्फ हाथ कर्म है या सिर्फ ऊर्जा है। आप इन चारों का मिश्रण है। अगर किसी व्यक्ति को विकास करना है तो उसे इन चार आयामों भक्ति, ज्ञान, क्रिया और कर्म के मिले जुले रास्ते की जरूरत होगी। आपकी जिंदगी में इन चारों का होना आवश्यक है। सिर्फ तभी विकास हो सकता है, सिर्फ तभी अपने मूल स्वरूप तक पहुंचने की संभावना पैदा हो सकती है। अन्यथा हम सिर्फ समूहों और धर्मों में बटे रहेंगे और आपस में झगड़ते रहेंगे। आध्यात्मिक रूप से कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक आपके अंदर कुछ मूल्यवान घटित नहीं होता, तब तक आप बाहरी विश्व के लिए कोई बहुमूल्य चीज नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी करें, आप अपने ही अंदर का गुण बाहर बांटते हैं। आप चाहे इसे पसंद करें या ना करें, यही सच्चाई है। आप जो है वही आप सब जगह फैलाएंगे। अगर आपको विश्व की चिंता है तो सबसे पहले आपको खुद में परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। योग यही तो है। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं, ये दुनिया को बदलने के लिए नहीं है। आप स्वयं बदलने के लिए तैयार है। इस दुनिया में वास्तविक परिवर्तन तभी आएगा जब आप बदलने के लिए तैयार हो। लेकिन जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं कि सभी दूसरे लोग बदले, तब केवल संघर्ष होगा। अगर आप बदलने के लिए तैयार है, केवल तभी रूपांतरण होगा। ये स्वरूपांतरण ही व्यक्ति और समाज को सच्ची खुशहाली तक ले जाएगा। यही सच्ची क्रांति है। धन्यवाद।